अब यही मसला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे साथ भी हुआ, मैनेजमेंट में मेरे साथ भी बड़े खतरे रवैये अपनाए। 2011 के वर्ल्ड कप में मैं दो मैच खेल सकता था आखिरी वाले, जो मुझे नहीं खिलाए गए उन्होंने, और मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। ये बेशक आप जो टाइम पे स्क्वाड था उससे पूछे, ये बात ठीक है, ये बात सच है कि मैनेजमेंट मेंटली जो थोड़े वीक लोग होते हैं या थोड़ा सा प्रेशराइज करके उनसे उनको थोड़ा तंग किया जाता है, ये बात सच है। ये अमिटी कह रहा है, यही फास्ट बॉलर मुझे दे दें तो दो महीने बाद आपको ऐसा तैयार करके दूंगा कि दुनिया को मारे। बात रावलपिंडी एक्सप्रेस के बाद अगर हमें कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर मिला तो वो मोहम्मद आमिर थे, लेकिन शोएब से क्या रीजन है, रीजन आपको लगे? ये बात भी आमिर की आप फेंक नहीं सकते, ये फेंकने वाली बात नहीं है कि मैनेजमेंट ने तंग किया होगा, उसको प्रेशराइज किया होगा, ये बात भी सच है। सही। अच्छा शोएब, यहाँ पर पीसीबी को आमिर से बात करनी चाहिए थी, आमिर ने एक फैसला दिया, पीसीबी ने कहा जी हम इस फैसले का एहतराम करते हैं, और इतने बड़े बॉलर को जैसे भी आप भी बात कर रहे थे बड़े आराम से जाने दिया। मैं यही सरप्राइज था कि बोर्ड भी तैयार था कि बात की उनका रिस्पेक्टिव डिसीजन, लेकिन ऐसा नहीं होता, जब टैलेंटेड लोग होते हैं उनके थोड़े से टेंट्रम्स भी होते हैं, स्टार टेंट्रम्स भी होते हैं, लेकिन आपने काम लेना होता है, मैनेजमेंट ये नहीं होता, बंदों को निकाल देना चाहिए, बंदों को निकालना मैनेजमेंट नहीं होती मदया, और ये नहीं होता कि आप उठा के बाहर फेंक देते हैं। अगर यही फास्ट बॉलर मुझे दे दें तो दो महीने बाद आपको ऐसा तैयार करके दूंगा कि दुनिया को। ये मसला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे साथ भी हुआ, मैनेजमेंट में मेरे साथ भी बड़े गलत रवैये अपनाए। 2011 के वर्ल्ड कप में मैं दो मैच खेल सकता था आखिरी वाले, जो मुझे नहीं खिलाए गए उन्होंने, और मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। ये बेशक आप जो टाइम का स्क्वाड था उससे पूछे, ये बात ठीक है, ये बात सच है कि मैनेजमेंट मेंटली जो थोड़े वीक लोग होते हैं या थोड़ा सा प्रेशराइज करके उनसे उनको थोड़ा तंग किया जाता है, ये बात सच है। हमने देखा कि जब आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो जब निकी आर्थर कोच थे तो उन्होंने एटलीस्ट आमिर को इतना राजी जरूर कर लिया था कि जो मुंतखब मैचेस में जाके आमिर नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या पीसीबी और मिस्बा आमिर से इस हवाले से भी बात नहीं कर सकते थे? तो है, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में बोर्ड भी तैयार था उनको निकालने में, और चीफ सेलेक्टर और विदिन टीम भी लोग ये चाह रहे थे कि उनसे। अब देखिए जो चैलेंजेस होते हैं ना मदिया, यहाँ पे हम सबको फेस करने पड़ते हैं, आपके बगैर चैलेंज के यहाँ टीम पे आगे बैठ गए हो, या मैं आगे बड़ा स्टार बन गया तो बगैर चैलेंज के बैठ गया, तो आप यू पिक अप योर फाइट, यू पिक अप योर फाइट इन अ राइट वे, हाउ यू गोना फाइट इट आउट, और दिस यू गोना परफॉर्म, और ऐसी परफॉर्मेंसेज दोगे आप बड़े बन जाओगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को तो कहते थे क्रिकेटर ही नहीं बन सकते, तो वो दुनिया ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बने, तो उनको रिस्ट्रिक्शंस कम आई थी क्या? क्या लोगों ने उनको काम तंग किया था? ये आमिर का कह देना कि मेरा रवैया ठीक नहीं है, मेंटल टॉर्चर कर, हम सब टॉर्चर हुए हैं यहाँ पे, हम सबको ड्रेसिंग रूम में तंग किया गया, लॉबीज की गई, हमें बाहर निकाला गया। आज खैर मैं तो अल्लाह का शुक्र है मैच फिक्सिंग के जमात से बहुत दूर रहा, लेकिन अगेन यहाँ पे लोगों ने तंग जरूर किया है, और मैंने आपको प्राइम एग्जाम्पल दी है, तो 2011 वर्ल्ड कप में मुझे बड़े बैडली ट्रीट किया गया, और मैंने रिटायरमेंट दे दी थी, और इसलिए भी दी थी, उन्होंने तंग किया था कि मैं रिटायर हो चुका था, मैंने यही किया था। अच्छा भी बताइए क्या वकार गिनस थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी थे। सही। अच्छा ये शोएब ये बोलिएगा कि चाहे वकार साहब का टाइम हो, आपका टाइम हो, चाहे आमिर का टाइम हो, हमेशा सबने देखा है कि जो हमारी क्रिकेट टीम का जो बॉलिंग अटैक है वो काफी ज्यादा डेंजरस समझा जाता था, और सारा जो एम्फसाइज होता था, सारा इनसार होता था, हम उसी पे करते थे, कि ये हमारी अपनी टीम के लिए, हमारी अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह फैसला है। बिल्कुल है, और आने वाले वक्तों में और भी होगा कि हमारे यहाँ कैरेक्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, तो कैरेक्टर्स का होना और कैरेक्टर्स का होना ही क्रिकेट का क्रिकेट की खूबसूरती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदिया यहाँ पे जो आप अगर आप देखो कि हमारे यहाँ स्टार्स आना खत्म हो गए, वो इसलिए कि यहाँ पे स्टार्स की अहमियत नहीं रही, यहाँ पे बिल्कुल वो मशरकी लड़कियों की तरह कुछ ICC ने दबाव डाल के रूल उतर सख्त कर दिए, कुछ हमारे ऐसे स्टार नहीं आ रहे या उनको लाना नहीं चाह रहे, इससे कैरेक्टर्स ऊपर आए। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बारिश हुई, अगर आप कहते हैं टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट कहाँ है? टैलेंट होता तो नजर आता और आप खड़ा भी चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन हमें आप रीबिल्डिंग करने के लिए हमें लड़कों को लाना पड़ेगा आगे, हमें ऐसे लड़के लाने पड़ेंगे, इजाजत देनी पड़ेगी कि जो आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान को सर्व कर सके, लेकिन ये फुकदान है फास्ट बॉलिंग का, और यहाँ पे फुकदान नजर आ रहे हैं भी है, पर हमें बड़ा सैड ये भी है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और लॉबी की नजर भी हो जाती है। अच्छा आपका बड़ा असर भी है, असर वाले आप भी हैं, पीसीबी से आपके भी चेताव, पाकिस्तान टीम में जिस लड़के इंजर्ड हो रहे हैं, जिस लड़के थक जाते हैं, फटीग होते हैं, वो समहाउ सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा, और ये जो
पेंडू माइंड सेट से आपकी क्या बरात है? पेंडू माइंड सेट का मतलब ये कि उनको भगा भगा के इतना वीक कर देते हैं, उनका इतना मसल वेस्ट कर देते हैं कि जब वो कंपेरेटिव क्रिकेट के अंदर आते हैं वो बड़े थके होते हैं। जैसे अभी किसी के ब्रोइन उड़ा हुआ, किसी घोड़ा उड़ा हुआ, चार विकेट वैसे उड़े हुए हैं पाकिस्तान की। ठीक है, ये जो आपका जो तरीका कार्य है ठीक भी नहीं है। और एट द सेम टाइम मुझे ये समझना, ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, दौड़ लगाना बंदे ठीक नहीं होते। यू नो देयर इज अ मसल बिल्डिंग, देयर इज अ यू नो रिकुपरेशन टाइम होता है ऑन द वर्कशॉप, वो बिल्ड करना पड़ता है, लोगों को खिलाना पड़ता है, उसे काम लेना पड़ता है, बाहर निकालना मैनेजमेंट को।